जय श्री कृष्णा। मसाला फ्राई में आज बना रहे हैं उज्जैन इंदौर के फेमस भुट्टे के भजिए। ये भजिए बनते हैं देसी भुट्टे से, लेकिन हम बना रहे हैं स्वीट कॉर्न से। तो हमने भुट्टे लिए हैं और इन्हें हमने कद्दूकस कर लिया है। आप भुट्टे के दाने निकाल कर इन्हें मिक्सर में भी पीस सकते हैं। कद्दूकस किया हुआ भुट्टा 1/4 कप है। एक प्याज को पतले स्लाइस में कट कर लिया है। 4 लहसुन, 1 इंच अदरक और 6 हरी मिर्च को भी कूट कर रेडी रख लिया है। और अब ये सारी चीजें हम इसमें मिला देते हैं। भुट्टे के अंदर विटामिन, जरूरी मिनरल्स, फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट्स भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। ये हार्ट के लिए बहुत अच्छा होता है, आँखों के लिए लाभदायक होता है। अब इसमें हम 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, ये हमने कश्मीरी मिर्च ली है, 1 पिंच इसमें हम हींग डालेंगे। ये हींग बहुत स्ट्रांग है, उज्जैन की हींग है ये। 1/2 चम्मच हम इसमें अजवाइन हाथों से क्रश करके डालेंगे और स्वाद अनुसार नमक मिलाएंगे। इसे मिक्स करेंगे। 1/2 कप इसमें बेसन मिलाएंगे। बेसन मुझे थोड़ा कम लग रहा है, तो इसमें 1/4 कप बेसन हम और ऐड करेंगे। टोटल हमने इसमें 2/3 कप बेसन मिलाया है। अब हम इसे हाथों से अच्छे से मिक्स करेंगे। अब इसमें गरम गरम 2 टेबलस्पून हम तेल डालेंगे और इसे अच्छे से मिलाएंगे। कढ़ाई में तेल बहुत अच्छे से गर्म हो गया है। अब इसमें चम्मच की सहायता से भी आप इसमें इस तरह से भजिए छोड़ सकते हैं। ये बनकर तैयार हो गए हैं। अब हम हाथों से इसमें भजिए छोड़ेंगे। इस समय हमें गैस की फ्लेम लो रखी है, क्योंकि तेल बहुत अच्छे से गर्म है। अभी गैस की फ्लेम हमने मीडियम कर दी है। चलनी की सहायता से इन्हें चलाते हुए हम सेकेंगे। ये अच्छे से सिक गए हैं। इन्हें हम तेल से निकाल लेते हैं और प्लेट लगा लेते हैं। लीजिए, तैयार है गर्मा गर्म भुट्टे के भजिए। ये स्वाद में बिल्कुल भी मीठे नहीं लगते हैं, क्योंकि हमने इसमें हरी मिर्च कूटकर ज़्यादा डाली हुई है। आप इस तरह बनाकर देखिए, ये बहुत स्वादिष्ट लगते हैं। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। रेसिपी पसंद आए तो लाइक, कमेंट और फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में। तब तक के लिए राधे राधे।